खाद बिया नहीं रहेगा तो क्या बोएंगे, खेत खाली हो गया। सरकार ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि अगले कुछ सालों में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और इसके लिए सरकार की अगर माने तो वो हर संभव प्रयास भी कर रही है, पर जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो नजारा ही कुछ और होता है। जब किसानों को रबी फसल के रोपने की जरूरत है तो सरकारी गोदाम में DAP खाद गायब हो जाते हैं, और जब रोपनी का सीजन खत्म हो जाता है तो सरकार ये दावा करती है कि किसानों तक पर्याप्त खाद पहुंचाया गया है। किसान महंगे दाम में बाजार से यूरिया खाद खरीदकर अपने खेतों में पहुंचता है और अपनी फसल को तैयार करता है, तब जाकर सरकार के गोदामों में यूरिया का अपरंपार बाढ़ सा दृश्य नजर आता है। ये तस्वीर है कैमूर जिले की, जहाँ धान की फसल के बाद रवि की जुताई और बुआई में किसान चिंतित दिख रहे हैं। डाई यूरिया खाद के लिए बिस्कोमान भवन से लेकर सरकारी समितियों तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लगातार उन्हें ये बोलकर घर भेज दिया जाता है कि कुछ दिनों बाद आना, लेकिन सरकार और उनके अधिकारी किसानों को कोई भी सूचना नहीं देते और समय पर किसानों को खाद भी मुहैया नहीं कराया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस फसल को तैयार करने में खाद्य की जरूरत होती है, अगर वही नहीं मिल रही तो किसान की आय दुगनी होगी कैसे? रबी फसल की बुआई का वक्त आ गया है, पर इन किसानों को अभी तक खाद्य नहीं मिला है। ऐसे में बिहार के कैमूर जिले के किसानों का क्या कहना है, जरा सुनिए। अब कई दिन से चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, कई दिनों से चक्कर लगा, डाई नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग? कह रहे हैं आएगा तभी नहीं मिलेगा। कौन खाद लेके? डाई के लिए, DAP मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या बोले? क्या बोल, अभी थोड़े खाद नहीं आया, आएगा तो मिलेगा, कब आएगा कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तो कब से आप खाद के लिए? 4-5 रोज हो गया लेकर आए आप। हम लोग डाई के लिए आए हैं लेकिन मिल नहीं रहा, तो मजबूरी बस हम लोग यूरिया ले रहे हैं। यानी डाई यहाँ पर नहीं है? नहीं है। आप लोग डाई के लिए आए हैं? जी। सुबह से आकर लगे। अच्छा, अभी का यूरिया का स्थिति है? वहीं जब हमारे संवाददाता ने जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा कि आखिर इस किल्लत का गरीबों को सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गेहूं की बुआई अभी प्रारंभ नहीं हुई है और यूरिया अभी उपलब्ध है, DAP की मात्रा सीमित है, लेकिन 15 से 20-25 नवंबर तक आने की संभावना भी है। लेकिन अपने जिले में NPK मिक्सचर, जिसमें अन्य पोषक तत्व भी नेत्रजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, जो कि बेहतर है मिट्टी की स्वास्थ्य के लिए और गेहूं के पैदावार के लिए भी बेहतर हो सकता है, जिसका प्रयोग किसानों के द्वारा ये जाने हो, तो हम लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे प्रखंड पंचायत स्तर पर भी किसानों के बीच जागृति फैलाई जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा कि आखिर ये दिक्कत होती कहां से है, तो सुनिए क्या था उनका कहना। ये हमारे स्तर से सूचना नहीं संभव हो सकती है, क्योंकि इसमें इम्पोर्ट भी, फर्टिलाइजर का आयातित भी होता है, किस स्तर पर। जिला पदाधिकारी का कहना है कि पिछली बार भी जो किल्लत हुई थी वो भी अंतिम समय में पूरी कर ली गई थी, पर अब देखना ये होगा कि किसानों को जो DAP और यूरिया में हो रही परेशानी है उससे उन्हें निजात कब मिलता है। कैमूर से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।